जय बाबा केदारनाथ जी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। तो अब हमारा रूट भी कवर हो चुका है और आने के जो साधन थे हमारे, मतलब बस, ट्रेन, फ्लाइट या जो पर्सनल गाड़ी वाला, वो भी हमारा कवर हो चुका है। अब काफ़ी सारे भक्तों का क्वेश्चन था खर्चा कितना होगा, किराया कितना लगेगा, तो वो सब आपको मैं आगे बता रहा हूँ। तो भक्तों शुरू करते हैं। तो ये जो लमसम फेयर मैंने निकाला है, ये 2018 और 19 के जो भी रेट थे उनका बीच का निकाला है, क्योंकि बसेस की भी काफ़ी कंडीशन ऐसी रहती है, कुछ बसें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ पुशबैक होती हैं, तो रेट में काफ़ी डिफरेंस रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी न्यू दिल्ली से, तो न्यू दिल्ली से हरिद्वार जो है आपका 212 किलोमीटर है, जिसमें आपका ट्रैवलिंग टाइम जो लगता है 5 से 6 घंटे लगता है। UPSRTC बसेस, जो कि गवर्नमेंट की बसेस होती हैं, उनके रेट में भी ये डिफरेंस होता है। जैसे 400 रुपये से 350 स्टार्ट होता है, 600 रुपये तक जाता है। कुछ AC बसेस होती हैं, कुछ पुशबैक बसेस होती हैं, कुछ 3x2 होती हैं, कोई 2x2 होती हैं, इसलिए रेट में डिफरेंस है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने एक एस्टिमेट आइडिया लगा दिया है। मैं डे वन की बात करूँ तो अगर मैं दिल्ली से निकलता हूँ तो मैं रात को हरिद्वार में स्टे करूँगा, तो हरिद्वार में 250 रुपये में बढ़िया होटल मिल जाता है, होटल या सराय जैसे भी आपको ठीक लगे, 400 तक आपको ठीक ठाक रेट में मिल जाएगा। उसके बाद हम सेकंड डे की बात करते हैं, तो हरिद्वार से हम सीतापुर जाएंगे, जिसका टोटल किलोमीटर है 239 किलोमीटर, जिसमें कि हमें 10 से 11 घंटे या 12 घंटे भी लग सकते हैं, वो रोड की कंडीशन के ऊपर है, जाम के ऊपर भी हो सकता है। वहाँ पे मैंने कुछ बस का फेयर लिया है, GMOU बसेस, इसमें आपकी प्राइवेट बसेज चलती हैं, कमाऊ मंडल की बसेज भी चलती हैं, उनके भी रेट लमसम, जैसे मैंने आप 350 रुपये लिखा है, तो 350-400 रुपये के आसपास ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद आप सीतापुर पहुँच जाएंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको फाटा उतरना पड़ेगा, तो फाटा में भी आपका 300-400 रुपये का रूम होता है, सीतापुर में भी आपका 200-400 रुपये का रूम मिल जाता है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कौन से टाइम में जा रहे हैं। जैसे अभी कपाट खुले हैं, इस टाइम में आप जा रहे हैं तो हो सकता है रूम के रेट ज़्यादा हों। अगर यही यात्रा आप अक्टूबर में कर रहे हैं, जिस टाइम इतना सीजन नहीं है, स्कूल की छुट्टियाँ नहीं हैं, तो आपको ये आराम से 200-300 रुपये में रूम आराम से मिल जाएंगे। तो हमारे 2 दिन कंप्लीट हो गए, 2 दिन में हम सीतापुर पहुंच गए। अब अगले दिन हमें पैदल ट्रैक अपना स्टार्ट करना है, तो सीतापुर से सोनप्रयाग आपका 4 किलोमीटर है, उसमें आपको मुश्किल से 20 या 25 मिनट लगेंगे और आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी जो कि आपको 40 रुपये लेगी। सोनप्रयाग आप पहुँच जाएंगे, सोनप्रयाग से आपको गोरीकुंड 5 किलोमीटर, वहाँ पे वहाँ की लोकल टैक्सी चलती हैं जो कि 15 मिनट लेंगी और मुश्किल से 20 रुपये लेके आपको वहाँ छोड़ देंगे आराम से। ये सब मैं शेयरिंग टैक्सी की बात कर रहा हूँ। अब गोरीकुंड टू बाबा केदारनाथ जी के मंदिर तक की बात करते हैं, तो 16 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही अच्छा ट्रैक है, काफ़ी सुविधाएं हैं ट्रैक में, वॉशरूम वगैरह काफ़ी अच्छा है, मैंने खुद ये ट्रैक किया हुआ है, और बल्कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ गया था, मेरे छोटे बच्चे भी गए थे, तो हमने ट्रैक मुश्किल से 8 घंटे में हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप बहुत अच्छे चलने वाले हैं तो आप 5 से 6 घंटे में भी ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें खाने की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी और वॉशरूम की तो आप बात ही मत कीजिए, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। सफाई का भी बहुत विशेष ध्यान रखा हुआ है वहाँ पर। तो आपको जो केदारनाथ जी मंदिर आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपके 2 ऑप्शन है, वहाँ आपके आपका 150 रुपये से लेके 400 रुपये तक रूम मिल जाते हैं, पर मैंने 150 से 250 लगाया, क्योंकि मैं भी 150 रुपये रूम में रुका था, 150 तो रेट लगाया, पर 100 रुपये पर बेड के हिसाब के था। जैसे एक ही रूम में 4 बंदे सो रहे हैं तो 400 रुपये रूम हो गया, हमने 2 बेड एक्स्ट्रा लगवा लिए उसमें, बात करके उससे 6 बंदे हैं और हम मतलब बैचलर हैं, कोई दिक्कत नहीं है इकट्ठे सोने में, तो 2 बेड एक्स्ट्रा लगवा लीजिए आप तो 600 रुपये का रूम हो गया, नहीं तो आप 2 रूम करेंगे तो आपको 800 रुपये पे करने पड़ेंगे, ऐसे आपके 200 रुपये बच जाएंगे। तो हमने भी सेम ऐसे किया था, तो 150 से 200 रुपये का रूम आपको केदारनाथ मंदिर के आसपास ही मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ सराय भी हैं। फ़र्क ये है कि वहाँ पे कुछ घरों में भी लोगों ने अपने रूम बना रखे हैं, आप उनमें भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाने वाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। और भक्तों अगर इसके अलावा अगर आप पहले से बुकिंग करके जाना चाहते हैं तो GMVN के होटल भी हैं, अगर आप पहले से बुकिंग करके जाना चाहते हैं तो आप वो भी बुकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद आप मंदिर पे पहुंच के आपने आरती ले ली, अपना दर्शन कर लिए, और चौथा दिन बचता है आपका, तो श्री आपने रात को वहीं स्टे कर लिया। श्री केदारनाथ जी मंदिर से दोबारा आपको गोरीकुंड वापस आना है, तो 16 किलोमीटर का वही सेम ट्रैक है, 7 से 8 घंटे मैंने लिखा है, पर हाँ ठीक है, चलने वाला इंसान होगा 6 घंटे में पहुँच जाएगा आराम से, क्योंकि उतराई है, चढ़ाई नहीं है आपकी ना ट्रैकिंग में, 6 से 7 से 8 घंटे में आराम से नीचे आ जाएंगे। तो ये आपके 4 दिन कंप्लीट हो गए। अब टोटल मैं आपको बताता हूँ टोटल कोस्ट कितनी बैठेगी, तो टोटल आपके दिन लगेंगे 4, बहुत ही आराम से अगर आप यात्रा करना चाहें, बहुत आराम से, जिसमें आपने मंदिर पे भी स्टे कर लिया, आप एक दिन कम भी कर सकते हैं यहाँ पे, सेम डे जाके सेम डे वापस आएंगे, आपका 3 दिन में हो जाएगा, पर आप इतनी दूर यात्रा पे जा रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि एक दिन बाबा जी के यहाँ रुकें, पूरा आराम से दर्शन करें और वहीं स्टे करके अगले दिन वापस आएँ। तो आपके टोटल डेज हो गए 4। बाय रोड जो आपने ट्रैवल किया,
तो आपका 460 किलोमीटर हो गया। ये बात कर रहा हूँ मैं आपका दिल्ली से, क्योंकि मैं दिल्ली से गया था तो आपको दिल्ली से बता रहा हूँ। आप जहाँ से भी आ रहे हैं अपना कर सकते हैं। इसके बाद आपने पैदल जो यात्रा की वो 32 किलोमीटर, बाबा जी की 16 किलोमीटर जाना 16 किलोमीटर आना। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो मैक्सिमम आपका 900 से 1000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन बैठ जाएगा, होटल का आपका 800 रुपये बैठ जाएगा, इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो टोटल मिला के अगर पूरी बात करूँ यात्रा की 1700 रुपये, तो आपका 2000 आप मान के चलिए। इसके अलावा 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा रख लीजिए, कहीं स्टे करना पड़ता है, कोई खर्चा पड़ता है आपका, तो वो हो गया। तो बाबा केदारनाथ जी की जो यात्रा का खर्चा है वो 1700 से 2000 के बीच में होता है, और बाबा केदारनाथ जी की जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए आपको जो आपका ऋषिकेश का बस स्टॉप है वहाँ पे भी होता है, और आपका सोनप्रयाग में भी होता है, आप कहीं भी करा सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाबा केदारनाथ जी की यात्रा से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय बाबा केदारनाथ जी।